ऑटोमाइकोसिस का, ऑटो का मतलब है कान और माइकोसिस का मतलब है फंगस। तो जब कान के अंदर फंगस हो जाती है तो इस बीमारी को हम ऑटोमाइकोसिस बोलते हैं। इसमें दो प्रकार की प्रजातियां हैं जो कि खास तौर पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो कैंडिडा नाम की प्रजाति है जो कि व्हाइट कलर की होती है, इसलिए उसका नाम कैंडिडा एल्बिकन्स है। और दूसरी एक ब्लैक कलर की, ये वो ब्लैक फंगस नहीं है जिससे कोविड में लोग परेशान हुए थे, दूसरा ब्लैक कलर की है जिसका नाम एस्परजिलस है। ये दो वेराइटीज हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में ज्यादा देखने को मिलती है। शुरुआती लक्षण में एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कान के अंदर पानी जाने से या हवा में नमी जब ज्यादा हो उस मौसम के अंदर इसके होने की संभावना ज्यादा रहती है। और लक्षणों के अंदर जो दर्द दूसरी बीमारियों से होता है उसके दर्द में और इस फंगस के दर्द में ये डिफरेंस है कि फंगस के दर्द में साथ में आपको खुजली बहुत होगी, कान के अंदर इचिंग होगी आपको कान में, और सफेद काला या पानी जैसा उसमें से पदार्थ निकलेगा, पस नहीं आएगा। जो येलो कलर का पस आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वो आने की बजाय ज्यादा चांसेस इसके रहते हैं कि आपको इस जो मैंने बताया उस कलर का पानी निकले। और खुजली, खुजली मेन इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्टर है, लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि खुजली आने की वजह से जो बर्ड्स बाजार में अवेलेबल है, कॉटन के बर्ड्स हैं बेसिकली, वो लोग कान में अंदर डाल के उसको साफ करने की कोशिश करते हैं और चोट पहुंचाते हैं कान के अंदर। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंगस का इलाज खुजली करके या बर्ड्स डाल के नहीं किया जा सकता है, उसका इलाज ENT के डॉक्टर द्वारा ही किया जा सकता है। ज्यादातर ये बारिश के मौसम में ही देखा जाता है क्योंकि हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा इसके कारण है कि स्विमर्स जो स्विमिंग करते हैं उस टाइम में कान में पानी चला जाता है लोगों के, और वो पानी अंदर रहता है उसकी वजह से वहां पे फंगस ग्रो कर जाती है, या फिर किसी और वजह से नहाने में और में कान में पानी चला जाए उसमें फंगस ग्रो होने की संभावना रहती है, या किसी और कारण से जिसने मरीज की खुद की इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो, जैसे डायबिटीज हो या और कोई पुरानी लंबी बीमारी चल रही हो जिसकी वजह से मरीज की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई हो, उसकी वजह से भी ये ऑटोमाइकोसिस होने का चांसेस रहता है। और एक और जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है बिना डॉक्टर के लिखे, बिना डॉक्टर को दिखाए अपने आप से ड्रॉप्स लेना। बहुत सारे लोग कान में कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ी बहुत इचिंग होती है वैक्स की वजह से या किसी ड्राइनेस की वजह से या कोई और वजह से, तो एंटीबायोटिक का ड्रॉप जो है वो कान में डालना स्टार्ट कर देते हैं मेडिकल स्टोर से लेके। तो ये जो एंटीबायोटिक का ड्रॉप है वो नुकसान करता है और इसकी वजह से भी कान के अंदर फंगस हो सकता है। ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पेशेंट जब आता है तो उसका सबसे पहले कान का एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कान के अंदर क्या है। फंगस जो है वो देखकर पता चल जाता है कि हाँ ये फंगस है, क्योंकि उसमें ब्लैक कलर के स्पोर्स, जो फंगस के स्पोर्स हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट एसेंशियली यही कि उस फंगस को ENT डॉक्टर के द्वारा साफ किया जाए, आजकल अंडर माइक्रोस्कोप, दूरबीन से माइक्रोस्कोप के नीचे सक्शन करके उसको मशीन से खींच के और उस फंगस को बाहर निकाल जाता है। उसके बाद में कान भी अच्छे से सफाई करी जाती है, उसमें बीटाडीन या पोविडीन आयोडीन का कोई और सॉल्यूशन या एंटी फंगल सॉल्यूशन और क्रीम लगाते हैं हम लोग, और उसके बाद में उनको फंगल की दवाइयां और ड्रॉप्स ये देते हैं, तो लगभग हफ्ते भर के अंदर ये कंट्रोल में आ जाता है। किसी किसी पेशेंट को जो ड्रॉप्स है वो लंबे समय तक लेनी पड़ती है, लेकिन दवाइयां जो गोलियां हैं वो 5 दिन के अंदर अंदर लेने से काम चल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि फंगस जो है वो प्राइमरीली स्किन की बीमारी है, तो अगर हम इलाज में देरी करते हैं या नहीं कराते हैं तो एक जो बड़ी समस्या पेशेंट को समस्या हो सकती है वो ये है कि उसके कान के पर्दे में छेद हो सकता है, क्योंकि ये फंगस कान का पर्दा जो है हमारा बहुत ही नाजुक होता है और ये फंगस उस पर्दे को नुकसान पहुंचा के उसको गला सकती है। जो कान की फंगस है वो कान तक ही सीमित रहती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट को ऐसी कोई बीमारी है जिससे उसके कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है,
तो जैसे और बीमारी उनको होने के या और कोई फंगस स्किन का होने के चांसेस रहते हैं, वैसे ही कान का फंगस जो है बाहर तक भी, बाहर की स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है और वहां पे रैशेज और फंगस के बाकी लक्षण आ सकते हैं। फंगस से बचने का उपाय यही है कि कान के अंदर पानी नहीं जाने दें, कान को कॉटन का बर्ड्स लेके साफ करने की कोशिश नहीं करें, और अगर कान में पानी चला गया है और वो अपने बाहर नहीं आ रहा है तो अपने नजदीक में जो भी ENT के डॉक्टर हैं उनसे जाके एक बार कान की सफाई करवा लें, एंटी फंगल ऑइंटमेंट का मलम का एक लेप लगवा लें अंदर, तो ये समस्या नहीं होगी। और अगर हो गई है तो फिर हमें उसका इलाज करना ही पड़ेगा, प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा।